मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए सरकारी अफसरों को चेतावनी दे डाली। कमलनाथ ने भोपाल में संस्कृति बचाओ यात्रा के समापन पर सरकारी तंत्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर अब काम मत करो, दो साल बाद सरकार बदल जाएगी, अगर रिटायर्ड हो जाओगे तब भी फाइल खुल सकती है। वहीं कमलनाथ के इस तंज पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ अपनी उस छवि को फिर से स्थापित करना चाहते हैं जो सिख दंगों के समय इसे देश ने देखी थी। वहीं उन्होंने कहा कि कमलनाथ का यह बयान शर्मनाक है। ये शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से अपने अगले दो साल काटना चाहते हैं। मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूं, दो साल बचे, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। देखिए कमलनाथ जी गाहे बगाहे उनकी उस छवि को पुनः स्थापित करना चाहते हैं जो सिख दंगों के समय इस देश की जनता ने देखी थी। कमलनाथ जी की दादागिरी, बदमाशी और इस तरह की शब्दावली उपयोग करने की आदत रही है। वो व्यक्ति जिसने 50 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में कलकत्ता से आकर ऐशो आराम किए हो, वो व्यक्ति जिसने 15 महीने तक मध्य प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, क्या उसके मुंह से इस तरह की शब्दावली, इस तरह की धमकी भरे बयान शोभा देते हैं? आप किसको धमकी दे रहे हो? आप सरकारी कर्मचारियों को धमकी देने की बात कर रहे हो? इसका मतलब तो आप सीधे सीधे अपनी गुंडा प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हो। मुझे बहुत शर्मनाक लगता है ये बयान और मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि अपना फ्रस्ट्रेशन वो कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर ना निकाले।